Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to have a discussions on angle of repose, या फिर इसको दूसरे नाम से भी कहते हैं हम लोग angle of sliding. आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जो कि फ्रिक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है. और इस डिस्कशंस में आप इसको ये भी समझ लें कि हिंदी में इसी एंगल ऑफ रिपोज को हम लोग कहते हैं विराम कोण. ठीक है, विराम कोण इस हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विराम कोण कहते हैं. तो इससे सेल्फ जो है सो मतलब क्लियर है कि विराम मतलब विरामावस्था की बात हो रही है. तो चलिए हम लोग पहले डिफिनेशंस की बात करते हैं. डिफिनेशन हमारा कहता है कि एंगल ऑफ रिपोज और द एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विथ हॉरिजेंटल सच दैट द बॉडी प्लेस ऑन द प्लेन जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइन. मतलब ये जो ऐसे इंक्लाइन प्लेन है तो इस इंक्लाइन प्लेन का एट्रीब्यूट क्या होगा कि उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजेंटल के साथ होगा वही किसी इंक्लाइन प्लेन का एट्रीब्यूट होता है. तो जैसे मान लीजिए कि ये एक थीटा एंगल पे इंक्लाइन है और यदि थीटा एंगल ऑफ रिपोज है तो इसका कहना ये है कि यह वह मैक्सिमम एंगल है. ठीक है, यह वह मिनिमम एंगल है जिस एंगल से अगर थोड़ा भी एंगल ऑफ इंक्लाइन को इंक्रीज किया जाए तो ये जो ब्लॉक है वो इधर की ओर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी. क्या हो जाएगी, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, इट इज़ द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजेंटल सच दैट द बॉडी प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन जस्ट बिगिन टू स्लाइड. मतलब जस्ट बिगिन टू कहने का मतलब क्या है कि वो एक थ्रेशहोल्ड रीच हो चुका है, इसके बाद अगर एक डिग्री भी एंगल ऊपर गई तो ये प्लेन सीधे नीचे स्लाइडिंग स्टार्ट कर देगा. इसी तरह से ब्लॉक पे ये अप्लाई होता है. तो ये तो मिनिमम के सेंस में है. आप मैक्सिमम के सेंस में भी समझ सकते हैं कि इट इज़ द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इट इज़ द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रफ इंक्लाइंड प्लेन विथ हॉरिजेंटल सच दैट द बॉक्स केप्ट ऑन इट रिमेन्स एट रेस्ट. तो आपको एक तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन करके भी मैं समझा रहा हूँ और मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन करके भी समझा रहा हूँ. जब आप मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है किसी भी इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजेंटल के साथ, तो मैं वो कह रहा हूँ कि उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से अगर आप थोड़ा भी एंगल ऊपर जाएंगे इंक्लाइन प्लेन को क्या अगर आप इंक्लिनेशन इंक्रीज करेंगे तो बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी. और मैक्सिमम के टर्म में मैं ये कह रहा हूँ कि वह मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है कि जहाँ पे जाने के बाद अगर एक डिग्री भी आपने एंगल ऑफ इंक्लाइन को इंक्रीज किया तो ब्लॉक जो है सो स्लाइडिंग स्टार्ट कर देगी. तो मैक्सिमम किस केस में है कि रेस्ट में रहे, वह मैक्सिमम एंगल जहाँ तक वो ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट में रहे उसको एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं. दोनों सेंसेस में आपको इस चीज़ को डिफाइन किया गया. एनीवे लेट्स मूव ऑन कि इस चीज़ के पीछे क्या मैकेनिज्म है, ऐसा क्यों होता है कि एक थ्रेशहोल्ड के बाद ये ब्लॉक स्लाइडिंग स्टार्ट कर देता है और किन चीज़ों पे जो है सो ये डिपेंड करता है, इसकी बात हम करते हैं. देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे एक ब्लॉक है एम मास का और एक रफ हॉरिजेंटल प्लेन पर रखा हुआ कि क्या है, दिस इज़ अ रफ हॉरिजेंटल प्लेन. ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है. तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या इस ब्लॉक पे कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है तो कृपया आप जल्दीबाजी ना करें, बिकॉज फ्रिक्शन को मैंने डिफाइन किया है कि जहाँ टेंडेंसी ऑफ मोशन होगी तही तब वहीं पे फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा. और टेंडेंसी ऑफ मोशंस कहाँ होगी, जहाँ की कोई ड्राइविंग फोर्स होगा. अब यहाँ देखिए अगर आपको तो कुरकुर सा फोर्स पिक्चर में एक जो फोर्स है इसका वेट नीचे mg, दूसरा ये सरफेस जो कॉन्टेक्ट फोर्स ऊपर लगा रहा है n, ठीक है, और यहाँ पे दोनों काउंटर बैलेंस हैं, n इज इक्वल टू mg है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा. अब अगर इस इंक्लाइंड इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को अब अगर आप क्या करेंगे कि इसका इंक्लिनेशन इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो इंक्लिनेशन जब इंक्रीज़ करेंगे तो मैं एक किसी आर्बिट्री एंगल थीटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उस एंगल पे आपका ब्लॉक जो है क्योंकि ये रफ इंक्लाइंड सरफेस है तो आपका ब्लॉक इस सरफेस पे है, या रफ है तो रफनेस को डिफाइन करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में म्यू बाय ज़ूम कर रहा हूँ. ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे अगर आप देखें तो इस पे क्या क्या फोर्स पिक्चर में होगा, जरा गौर से देखें. पहला फोर्स देखिए, इसका वेट mg जो है वो नीचे की ओर काम कर रहा होगा, ठीक है,
तो जब वेट एम जी काम कर रहा होगा और दूसरा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो ये इंक्लाइन सरफेस इस ब्लॉक पे लगाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे लगता है? सरफेस के जो लगाने वाला बॉडी है उसके सरफेस के ठीक नॉर्मल, तो इसका सरफेस हो गया ये, तो इसका नॉर्मल कैसा होगा? ये ऐसा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये इधर की ओर लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्ट्रेट नहीं बना पा रहा हूँ डिजिटल पेन की वजह से। तो ये रहा आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि ये जो वेट का है एम जी, उसको आप दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। एक हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और दूसरा हो गया वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तीसरी चीज़ जो है एंगल जो है, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ जो बनने वाला एंगल होगा ज्योमेट्री से आप निकाल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ए थीटा। अब इसके थीटा होने की वजह से अब देखिए इस एम जी का एक जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ये क्या हो गया? ये कंपोनेंट हो गया एम जी यहाँ से कॉस थीटा, और इसी एम जी का एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन क्या हो गया? एम जी साइन थीटा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ड्राइविंग फोर्स इस ब्लॉक पे पिक्चर में आ गया। तो जब आपका सरफेस हॉरिजेंटल था तो कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं था, नो ड्राइविंग फोर्स। और जैसे ही ये हॉरिजेंटल सरफेस का इंक्लाइन आप इंक्लाइन किए, मतलब हॉरिजेंटल के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बनाने लगा, तो अब क्या हो गया कि इस हॉरिजेंटल ये जो सरफेस है इस सरफेस के अलोंग एक फोर्स का कंपोनेंट आ गया जिसको आप कह सकते हो कि ड्राइविंग फोर्स। सो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स या पुलिंग फोर्स, ठीक है। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स या फिर पुलिंग फोर्स भी आप कह सकते हो, ठीक है, पुलिंग फोर्स। दूसरी चीज़ ये देखिए कि ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइन है तो आर्बिट्री एंगल है, थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। सो एंगल ऑफ इंक्लाइन जो है, इंक्लाइन जो थीटा है वो क्या कर सकती है? इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। तो अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी तो अकॉर्डिंगली क्या होगा कि ये जो ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू भी वैरी करेगी, और ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू अगर वैरी करेगी तो अकॉर्डिंगली जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस सरफेस पे एफ आर इधर की ओर, उसकी वैल्यू भी वैरी करेगी। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ये इंक्लाइन प्लेन कितना अप्लाई कर पाएगा ब्लॉक पे? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कब अप्लाई होगा? जब ब्लॉक की टेंडेंसी होगी अबाउट टू स्लाइड, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जब पिक्चर में आएगा, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जब पिक्चर में आएगा तो एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो फ्रिक्शन फोर्स एफ आर की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से एन और एम जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर फोर्सेस है, आप लिख सकते हो कि एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये ब्लॉक क्या है? वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकली कोई मोशन नहीं हो रहा है, अलोंग द इंक्लाइन ही मोशन हो रहा है। एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो फ्रिक्शन फोर्स एफ आर की वैल्यू म्यू एम जी यहाँ से कॉस थीटा। तो ये जो है वो क्या है आपका? फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो ड्राइविंग फोर्स है, आप इसको लिख लो F, ये ड्राइविंग फोर्स है। क्या है ये? इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो दिस इज ड्राइविंग फोर्स, और इस फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या है? एम जी साइन थीटा है। तो जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी तो ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी और घटेगी, और अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि आप देखिएगा कैचेस कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये तो क्या है? ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, मैक्सिमम, याद रखिए दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, ठीक है। और ये कब लगेगा? जब ब्लॉक क्या होगा? अबाउट टू स्लाइड के कंडीशन में होगा, ठीक है, तभी वो एक्ट करेगा। तो ये जो है सो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, ये हो गया आपका ड्राइविंग फोर्स एम जी साइन थीटा। अब आप एक चीज़ बताइए कि आपने साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ पढ़ा होगा कि अगर जैसे आप देखिए यहाँ से साइन थीटा का आप जब ग्राफ पढ़े होंगे तो वो कैसा दिखता था साइन थीटा? ये ऐसे चलता था, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा, ओके, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन थीटा। और कॉस थीटा का कर्व कैसा होता था कि जीरो पे वो मतलब ये वन बनता था, 90 पे वो जीरो बनता था, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। ये हो गया आपको जीरो डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, यहाँ भी ये जीरो डिग्री और 90 डिग्री। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि जब एंगल, जब थीटा की वैल्यू
जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो भी बढ़ती है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। मतलब कि जब थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइन, क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लाइन हुआ, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लाइन की वैल्यू अगर क्या होगी, इंक्रीज करेगी, एंगल ऑफ इंक्लाइन की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो यहाँ से लिख लो कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो भी इंक्रीज करेगी, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो डिक्रीज करेगी, ठीक है। जीरो से, यहाँ से देखो, जीरो से 90 डिग्री के एंगल के बीच में यही रिलेशन जो है सो काम करता है साइन थीटा और कॉस थीटा पे। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि ये इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है, जब तुम वैरी करवाओगे जीरो से 90 के बीच में, तो क्या होगा कि तुम्हारा जो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है, साइन थीटा इंक्रीजेस। साइन थीटा का वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि ड्राइविंग फोर्स बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि ड्राइविंग फोर्स जो है, एफ की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ड्राइविंग फोर्स इंक्रीज करेगी, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स, फोर्स क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और ये देखो फ्रिक्शन फोर्स जो है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो है म्यू एम जी कॉस थीटा, तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो क्या हो रहा है कि ये वाला फोर्स, अगर ये वाला फोर्स का वैल्यू अगर बढ़ेगा और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका मैक्सिमम वैल्यू भी अगर घटेगी, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब ये फोर्स हावी हो जाएगा और ब्लॉक जो है सो स्लाइडिंग स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक ऐसे क्रिटिकल एंगल को, थीटा की एक ऐसी वैल्यू को आप अचीव कर सकते हैं जब जाकर के ड्राइविंग फोर्स जो है सो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब वो जो एंगल होगा थीटा का, सपोज करिए कि क्या चीज़ कि एट क्रिटिकल एंगल थीटा, एंगल मान लीजिए आप अल्फा कह रहे हैं, एट क्रिटिकल एंगल अल्फा, तो क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स जो एफ की वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, तो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गई, एफ आर मैक्स, ठीक है। तो इस सिचुएशंस में क्या होगा, इस सिचुएशंस में आपका क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ क्या होगा, यहाँ से टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग है, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग कह सकते हो, या ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ये जो कंडीशन है वो क्या है कि इससे अगर थोड़ा सा भी सिचुएशन इधर उधर हुआ तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू अगर मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गई, तो ये किस तरह का इक्वेशन तुमको देगा, यहाँ से देखो, ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू क्या थी भाई, तो ये जो ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू जो थी आपने निकाला था एम जी साइन थीटा, तो यहाँ लिखो एम जी साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई। तो यहाँ लिखो कि ड्राइविंग फोर्स जो है, मतलब mg sin theta एंड दिस इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg cos theta, और यहाँ से जब देखोगे तो जब cos theta ये ले जाओ, mg काट लो, तो क्या हो गया, हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल एंगल अल्फा की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ भी cos अल्फा होगा, तो ये जो थीटा नहीं, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल अल्फा की बात हो रही है, तो यहाँ से निकला tan अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू म्यू, मतलब अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। तो ये जो अल्फा है, इसी अल्फा को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज, इट इज दैट क्रिटिकल एंगल ऑफ द इंक्लाइन एट विच द ड्राइविंग फोर्स, मतलब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये है, और इसकी वैल्यू क्या है, तो एम जी साइन, और ये जो है सो ड्राइविंग फोर्स, मतलब क्या, ये मान लीजिए अल्फा है, एंगल ऑफ रिपोज पे आप अगर हैं, क्या है ये, एंगल ऑफ रिपोज ठीक पे हैं, तो एम जी साइन अल्फा, और फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जो एफ आर काम कर रहा है वो क्या है, तो म्यू एम जी कॉस अल्फा, और ये दोनों बराबर होगा, तो ये दोनों जब बराबर होगा तो जो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू आएगी वो टेन इनवर्स म्यू आएगी। मतलब तुम ये कह सकते हो कि एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द टेन इनवर्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, क्या चीज़। तो यहाँ से क्या लिखोगे, एंगल ऑफ रिपोज को क्या लिखोगे, तो टेन इनवर्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये हुआ आपका एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू। तो कहने का मतलब आप देखो कि क्या एंगल ऑफ रिपोज ब्लॉक के मास पर डिपेंड कर रहा है, तो नहीं कर रहा है,
किस पे डिपेंड कर रहा है? तो ब्लॉक और सरफेस के बीच जो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है उस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जो ब्लॉक है और जो इंक्लाइंड सरफेस है वो किस मटेरियल का बना हुआ है और उसका नेचर क्या है, रफनेस क्या है, उस पे वो डिपेंड करता है, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू जो है तो 10 इनवर्स ऑफ जो म्यू है उसके बराबर होती है। दूसरा चीज़ यहाँ, मतलब अगर आपको ग्राफ से समझाया जाए तो आप देखिए, यहाँ से देखिए, ये है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये है एंगल ऑफ द स्लोप विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये जो एंगल है इसका, मतलब ये थीटा एंगल आर्बिट्री एंगल है तो इसको शो कर रहा है। तो अब और ये क्या शो कर रहा है, तो फोर्स को शो कर रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि थीटा जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करेंगे, जीरो से लेकर के जब आप थीटा को बढ़ाते चले जाएंगे, तो आपका जो कौन कौन सा फोर्स पिक्चर में है, एक फोर्स तो ये पिक्चर में ड्राइविंग फोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, ये ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। दिस इज ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। दूसरा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है एफ आर, जो क्या है तो म्यू एम जी यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा, म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो देखिए यहाँ से कि आपका जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, आपका ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू जो है अकॉर्डिंगली आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू आप इंक्रीज हो रही है। इस कर्व से देखिए, ठीक है, ये जो कर्व बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये दिस इज द कर्व ऑफ एफ जो कि है एम जी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा कि ये जो आपका कर्व है, ये जो एम, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वेरिएशन है एन, दिस इज द वेरिएशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन लग रहा है इसका है, जो कि बेसिकली एन जो है आपका किसके बराबर है, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा के बराबर है। तो ये जो है सो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे वेरी करेगा, मतलब जब स्लोप को जब आप इंक्रीज़ करोगे, एंगल ऑफ स्लोप जो बढ़ाते जाओगे, तो ब्लॉक पे लगने वाला जो ड्राइविंग फोर्स का वेरिएशन का कर्व कैसा होगा, ऐसा देखो, ठीक है। और उस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ब्लॉक पे लग रहा है एन, वो एम जी कॉस थीटा का नेचर है, तो उस पर जो है सो जीरो डिग्री पे क्या होगा, एम जी होगा, और यहाँ से ये इसका नेचर ऐसा होगा, जीरो से 90 के बीच में ये ऐसे जो है सो डिक्रीज करेगा। सो दिस एन, दिस इज द कर्व ऑफ एन, दिस इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो एफ आर है उसकी वैल्यू क्या है, म्यू इंटू एन, और म्यू की वैल्यू जनरली क्या होती है, तो लेस देन वन होती है। तो कहीं ना कहीं जो ये जो फोर्स जो देख रहा हो, लेकिन वेरिएशन क्या होगा, तो कॉस थीटा का ही नेचर होगा, इसलिए ये है आपका फ्रिक्शन फोर्स एफ आर, ठीक है। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स एफ आर, क्या है ये फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। तो तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है कि तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स बढ़ रहा है और फ्रिक्शन फोर्स घट रहा है, तो एक ऐसा एंगल आता है अल्फा, जिस एंगल पे जा कर के ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही तुम एंगल बढ़ाओगे कि ये ब्लॉक जो है सो स्लाइडिंग स्टार्ट कर देगा इंक्लाइन प्लेन पे। तो ये जो एंगल अल्फा है, इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि मैं थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँगा आपको जो है सो। तो एंगल ऑफ रिपोज के बारे में आप समझ गए हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइन, ठीक है, और टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज एट विच द ब्लॉक बिगिंस टू स्लाइड। ये आपने पहले ही देखा कि अगर ये एंगल ऑफ रिपोज अल्फा है, सपोज करिए कि ये इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन जो है थीटा, ये अल्फा के बराबर है, मतलब एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज है इसके बराबर है, मान लीजिए इस इंक्लाइन प्लेन का जो है सो इंक्लिनेशन। तो उस केस में जो है सो आपने देखा कि जो म्यू एस जो है, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 10 अल्फा के बराबर होता है। ये इक्वेशंस आपने डिराइव किया था कि कॉफिशियंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइन, ठीक है, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइन के बराबर होता है। मतलब इस सरफेस का अगर मान लीजिए कि इंक्लिनेशन आपको थीटा दे दिया, किसी भी सरफेस का इंक्लिनेशन अगर आपको थीटा जो कि एंगल ऑफ रिपोज दे दिया, तो उसी से आप निकाल सकते हो कि उस सरफेस का जो है सो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है, तो म्यू एस इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइन, और उसको लिखते हैं टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा एंगल है, एंगल ऑफ रिपोज एट विच द ब्लॉक बिगिंस टू स्लाइड। दूसरा है कि वंस
वंस द ब्लॉक बिगिंस टू मूव, एक बार जब ब्लॉक मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, आपको पता है कि कौन सा फोर्स पिक्चर में आएगा, काइनेटिक फोर्स पिक्चर में आएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो लिमिटिंग वैल्यू है उससे कम होती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स एफ के बराबर पिक्चर में आएगा म्यू के इंटू एन, ठीक है। और कोफिशियंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, तो कम होती है इन कंपेरिजन टू द कोफिशियंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वंस द ब्लॉक बिगिंस टू मूव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स इज काइनेटिक फ्रिक्शन, एक बार जब ये ब्लॉक मूवमेंट स्टार्ट कर देगा तो जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होगा, फ्रिक्शन होगा, वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, जो कि क्या होगा, विच इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, नेचुरली छोटा होगा। ये जो एफ के है, इस एफ के की वैल्यू जो है सो लेस देन होगी एफ एस, ठीक है। ये एक आप रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन में भी देखा होगा कि जब भी आपके बॉडी को जब धक्का देते हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, तो जब तक लगे वो स्लाइडिंग नहीं किया तब तक तो ब्लॉक को काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है, जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होता है तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है, मतलब आपका जो फ्रिक्शन फोर्स जो आपके फोर्स को अपोज कर रहा था वो घट जाता है। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि एक बार जब ब्लॉक आपका स्लाइडिंग स्टार्ट कर देगा तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आएगा पिक्चर में वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और उसकी वैल्यू जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगी। और एज ए रिजल्ट इस वजह से क्या होगा कि अगर आपने एंगल को मेंटेन कर रखा है क्रिटिकल एंगल पे तो ब्लॉक एक्सेलरेट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इस चीज़ को समझ जाइएगा कि एक जैसे ही स्लाइडिंग हुई तो क्या हो गया कि उस रेजिस्टिव फोर्स जो है सो अचानक से घट के काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। तो जब रेजिस्टिव फोर्स घटा तो इसका मतलब नेट फोर्स बॉडी पे एक्ट किया, तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है ब्लॉक क्या होगी, अब एक्सिलरेट होगी नीचे की ओर जो है, सो इट विल एक्सिलरेट डाउन द प्लेन। इस कंसेप्ट को आप आई होप कि समझ गए होंगे। तो ब्लॉक का जो है सो मोशन क्या होगा, एक्सिलरेटेड मोशन होगा। अब आपसे पूछा जाए कि अब अगर मान लो कि एक बार स्लाइडिंग शुरू हो गई और आप चाहते हो कि इक्विलिब्रियम की अवस्था में आए, मतलब या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से वो मोशन स्टार्ट हुआ वही वेलोसिटी मेंटेन रहे, एक्सेलरेशन नहीं रहे, इक्विलिब्रियम सिचुएशन चाहते हो, सो टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम सिचुएशन एज अर्लियर विद द लिमिटिंग फ्रिक्शन रिप्लेस्ड बाई द काइनेटिक फ्रिक्शन द एंगल ऑफ इंक्लाइन मस्ट बी रिड्यूस। तो क्या करना होगा कि जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, आपको पता है कि वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा क्योंकि अब जो रेजिस्टिव फोर्स है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है और उसकी वैल्यू छोटी है जो पहले लग रही थी स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो क्या करना होगा आपको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइन आप देख रहे हैं, ये जो इंक्लाइन एंगल थीटा है जो कि एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है, उसको घटाना पड़ेगा, मतलब आपको उसको एक स्टेज नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइन है उसको आपको घटाना पड़ेगा। आई थिंक ये देखिए, ये जो पहले था थीटा अब ये हो गया यहाँ से अल्फा, ठीक है। ये एंगल जो है सो, तो ये जो होगा एक नया एंगल होगा जो है सो, तो इसी को कह रहा है कि आपको एंगल घटानी पड़ेगी जो है सो उस केस में जो है। तो अभी पहले क्या था कि म्यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ अल्फा था, अब आप लिखेंगे कि म्यू के इज इक्वल टू टेन यहाँ पे अल्फा प्राइम, ठीक है, म्यू के इज इक्वल टू टेन अल्फा प्राइम, तो ये इक्वेशन आएगा। तो उसी पे बेस्ड आपका एक सवाल है कि एक वुडन ब्लॉक है, इट इज केप्ट ऑन ए पॉलिश्ड वुडन प्लैंक हुज इंक्लिनेशन इज इंक्रीज ग्रेजुअली, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या, इस पे रखा हुआ था उसका इंक्लिनेशन ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा रहा था, तो जैसे ही इंक्रीज कर रहे थे तो ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग व्हेन द प्लैंक टेक्स एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ब्लॉक जो है सो स्लिपिंग से कब शुरू हुआ, जब आपका ये जो एंगल था थीटा का, थीटा की वैल्यू जब 25 डिग्री हो गई तो क्या स्टार्ट हुआ, स्लिपिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो स्लिपिंग स्टार्ट हुआ कब, जब थीटा की वैल्यू 25 डिग्री हो गई हॉरिजॉन्टल के साथ। और एक बार जब स्लिपिंग स्टार्ट हो गया तो ब्लॉक कैन कंटिन्यू विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द इंक्लिनेशन इज रिड्यूस्ड बाय 21 डिग्री। तो एक बार जैसे ही स्लिपिंग स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, मोशन एक्सेलरेटेड होगा क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। तो आपने क्या किया कि यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए आपने इंक्लिनेशन को थीटा प्राइम को क्या कर दिया, 21 डिग्री ला दिया, 4 डिग्री घटा दिया, तब जाकर के वो जो एक्सेलरेटेड मोशन होनी चाहिए थी वो अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो स्लाइड कर रहा है। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। तो सिंपल सा बात है कि जो अब अगर स्टैटिक फ्रिक्शन पूछ रहा है तो आप म्यू एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 10 थीटा। तो यहाँ हो गया 10 25 डिग्री, इसकी वैल्यू 0.4663 आएगी। और अगर आपसे काइनेटिक फ्रिक्शन पूछ रहा है तो आप क्या लिखोगे, म्यू के इज इक्वल टू 10 थीटा प्राइम। तो यहाँ पे आप लिखोगे 10
21 डिग्री जो कि 0.3839 के बराबर होगी। तो आप समझ चुके होंगे कि जब ब्लॉक स्लाइडिंग स्टार्ट होती है, द मोमेंट ब्लॉक स्टार्टेड टू हैव अ स्लाइडिंग, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आता है। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन चूंकि इसकी वैल्यू कम होती है, इसका मतलब रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू अचानक से घट गई, तो मोशन एक्सेलरेटेड होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मोशन स्टार्ट हुई उसी वेलोसिटी को मेंटेन करे, तो कहीं ना कहीं जो एंगल है, जिस एंगल पे, एंगल ऑफ रिपोज पे रखा हुआ है आपने इंक्लाइन को, उसको आप घटाइए ताकि फ्रिक्शन फोर्स जो है सो इंक्रीज करें और जब जा करके जो है सो उसको काउंटर बैलेंस कर पाए। तो वो एंगल जो है सो यहाँ आपको काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे देती है। तो आप एक समझ सकते हैं कि आप एक्सपेरिमेंटली भी बता सकते हैं, पता कर सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की क्या वैल्यू है या स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की क्या वैल्यूज है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ दिखाया गया। चलिए अब यहाँ जाते हैं। ये एक सवाल देखिए, इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा ऑफ द रफ सर्फेस विथ हॉरिजेंटल इज लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज, मतलब ये जो बीटा, एंगल ऑफ रिपोज हमने माना है अल्फा, तो ये कह रहा है कि ये जो बीटा की जो वैल्यू है अभी वो क्या है, लेस देन अल्फा है, और अल्फा क्या है तो एंगल ऑफ रिपोज है, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज है अगर ये केस है। तो ये कह रहा है कि उस कंडीशंस में फ्रिक्शन फोर्स की क्या वैल्यू होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स की क्या वैल्यू हुई होगी, वो निकाल के बताइए। तो अगर गौर से आप देखिएगा तो बीटा की वैल्यू लेस देन अल्फा है, मतलब क्या हो गया, इससे ये क्लियर हो गया कि स्लाइडिंग नहीं होगी। ठीक है, स्लाइडिंग क्या होगी, नो स्लाइडिंग। और अगर स्लाइडिंग नहीं होगी तो टेन बीटा इज लेस देन अल्फा के केस में क्या हो गया कि स्लाइडिंग नहीं होगा। तो स्लाइडिंग अगर नहीं होगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये है कि टेन बीटा, टेन लगाओगे तो टेन बीटा यहाँ से ग्रेटर देन टेन अल्फा। तो आपको तो पता है कि जो टेन अल्फा है मतलब म्यू एस इज इक्वल टू टेन अल्फा के बराबर होता है। ये आपने निकाला है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज, यही ना था, टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज। तो कहीं ना कहीं आप ये लिख सकते हो कि टेन बीटा इज लेस देन कैच इज द म्यू एस, ये भी एक कंडीशन आपको ये बताता है कि स्लाइडिंग नहीं होगा। और जब स्लाइडिंग नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब फोर्स को देखो, फोर्स के नेचर को समझो, यहाँ नीचे लगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका देखो यहाँ जो एक्सिस बना लो पहले, तो एक एक्सिस हो गया तुम्हारा इधर, ठीक है, और इंक्लाइन ले लो एक एक्सिस इधर हो गया, तो एक देखो यहाँ, अब ये वेट जो यहाँ एम जी है तो इसका एक कंपोनेंट आपको वर्टिकल डायरेक्शंस में यहाँ लगा, ये एंगल अगर सपोज करो बीटा है तो यहाँ भी क्या होगा, ये बीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस ऑफ बीटा। ठीक है, और एम जी का जो अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एम जी साइन ऑफ बीटा। तो ये जो एम जी कॉस बीटा है और ये जो सरफेस है वो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा इस बॉडी पे, तो इसका ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन, और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किधर की ओर लगेगा सरफेस पे, इधर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगा एफ आर। अब बताओ एक चीज़ मुझे कि ये जो एफ आर की वैल्यू है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, तो एफ आर जो है फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एफ आर ये क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो इसका मतलब ये सेल्फ एडजस्टेबल होगा, क्या होगा, सेल्फ एडजस्टेबल होगा। तो कहने का मतलब जो ड्राइविंग फोर्स लगेगा, क्योंकि मोशन होनी नहीं है तो उस ड्राइविंग फोर्स के इक्विवेलेंट ही वो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो कि एफ आर इज इक्वल टू एम जी यहाँ पे साइन बीटा होगा, एफ आर आ गया आपको एम जी साइन बीटा। ठीक है, ये जो फोर्स है इस फोर्स की वैल्यू आपने क्या निकाली, तो एम जी यहाँ से साइन बीटा, और ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो एन है एंड दिस इज इक्वल टू कैच इज एम जी कॉस बीटा, एम जी कॉस बीटा, तो एफ एन हो गया एम जी कॉस बीटा, एफ आर हो गया, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, ये जो एन है और इसका रिजल्टेंट जो लगेगा वही कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वही कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जब इसका रिजल्टेंट आप निकालोगे कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों तो परपेंडिकुलर ही है, तो रूट अंडर लगाओ, क्या हो गया एम जी यहाँ पे, तो साइन बीटा
पे स्क्वायर और जोड़ एम जी कॉस बीटा पे स्क्वायर। तो एम जी कॉमन बेसिकली क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स एम जी आया, ठीक है। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स जो है बेसिकली वो क्या आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जो भी है और ये कितना आया, तो एम जी ही इसका नेट कॉन्टैक्ट फोर्स जो है सो आपको निकल के सामने आया जो है सो, ठीक है। तो इस केसेस में जब जब एंगल ऑफ इंक्लाइन जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है, विन द एंगल ऑफ इंक्लाइन इंक्लिनेशन ऑफ ए रफ सरफेस विथ हॉरिजेंटल इज लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज, मतलब जब इस कंडीशंस को हम जो हैं सो अचीव करेंगे जहाँ बीटा क्या है तो एंगल ऑफ इंक्लाइन है, तो उस केसेस में जो आपका फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू द ड्राइविंग फोर्स पुलिंग फोर्स, ठीक है। और कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी आ जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा केस देखते हैं, इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ रफ प्लेन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो जब ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिपोज से, मतलब ये जो मान लीजिए बीटा है एंगल है, ठीक है, और ये बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फ़ा है, तो बीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन अल्फ़ा है इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि टेन बीटा इज ग्रेटर देन टेन अल्फ़ा, और आपको पता है कि टेन अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाती है, तो म्यू एस हो जाती है, तो टेन बीटा इज ग्रेटर देन यहाँ पे ये म्यू एस, ये केस हो गया इस केस में, जो म्यू एस की वैल्यू जो है जो कोफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा हो, मतलब म्यू एस कोफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा बड़ा क्या हो गया, तो टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइन। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, तो स्लाइडिंग होगा, ठीक है। और अगर स्लाइडिंग हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स अब क्या आ जाएगा पिक्चर में, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया तो क्या यहाँ पे फोर्सेस का देखिए कैसा जो है सो ओरिएंट फोर्सेस का होगा, ये जो फोर्स है यहाँ पे ये रहा वेट एम जी, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जहाँ तक बात है, तो ये लीजिए पहले एक्सिस बना लेता हूँ मैं, ये सपोज करिए नॉर्मल हो गया सरफेस के, एक एक्सिस ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में एक हो गया, तो और अब जो फोर्स एक्ट कर रहा है अब उसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एम जी हुआ, तो एम जी का इस डायरेक्शंस में ये एंगल क्या होगा, बीटा हुआ, क्योंकि ये बीटा है तो एज पर ज्योमेट्री अभी बीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस ऑफ बीटा, और एक जो कंपोनेंट होगा एम जी का अलोंग द इंक्लाइन क्या होगा, एम जी साइन ऑफ बीटा, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ जो ये सरफेस अप्लाई करेगा, मान लीजिए एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया, और फ्रिक्शन फोर्स जो इधर पिक्चर में आया वो क्या आया, एफ आर इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है एफ आर की वो म्यू के और एन के बराबर हो गई, और एन की जो वैल्यू है वो क्या हो गया, तो चूंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो एम जी कॉस ऑफ बीटा, मतलब एफ आर की वैल्यू आप लिख सकते हो म्यू के एम जी कॉस ऑफ बीटा, ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो इस ब्लॉक पे लगेगा बाय द इंक्लाइन। और अगर आप निकालना चाहते हो नॉर्मल रिएक्शन के भी निकाल ही लिए, तो जब आप कॉन्टैक्ट फोर्स निकालोगे, ठीक है, क्या चीज़ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स की जब वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर एन स्क्वायर जो एफ आर पे स्क्वायर, तो जब एन स्क्वायर जो एफ आर पे स्क्वायर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा एम जी, यहाँ से देखिए एम जी कॉस बीटा पे स्क्वायर और जो म्यू के एम जी यहाँ पे कॉस बीटा पे आप इस पे पूरा पे स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस बीटा बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे रूट अंडर वन प्लस यहाँ पे म्यू के पे स्क्वायर, तो ये आ गया आपका कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपको जो है सो, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स आपने निकाला इस केसेस में। अब चलिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो हम लोग बताना चाह रहे थे आपको इसी कॉन्टैक्ट फोर्स को लेकर के, कि ये जो आपका निकाले ये एम जी आ गया, ठीक है, लेकिन जब स्लाइडिंग का मोमेंट होगा, मतलब कि जब एंगल ऑफ इंक्लाइन बीटा की वैल्यू अल्फ़ा के इक्विवेलेंट होगी, तो उस केसेस में क्या होगा कि यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस पे लगेगा वो ये ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू एस इंटू यहाँ पे एन होगा, ठीक है। तो ये जो है सो क्या होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस इंटू
एन लगेगा। तो उस केस में जब आप कॉन्टैक्ट फोर्स निकालोगे, ये तो था कि जब आप ये जो केस निकाले कॉन्टैक्ट फोर्स का, वो कब का था कि जब आपका जो ड्राइव, मतलब वो ये वह एंगल पे है जब ड्राइव, जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी वैल्यू आपको उतनी कम है कि स्टैटिक फ्रिक्शन के स्टेट में नहीं आ पा रहा है ब्लॉक आपका, उस सिचुएशन की बात कर रहे थे। लेकिन जब बीटा जो है अल्फा के बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन की जो वैल्यू है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाएगा, ऑफ रिपोज, इसके अगर बराबर आपकी बात सिचुएशंस हो जाएगी तो उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, तो उसको देखते हैं जो है। सो एक मिनट, इसको पहले क्लीन कर लीजिए। तो उस केसेस में क्या होगा कि आपका, देखिए जब एंगल ऑफ, जब इसका बीटा की जो वैल्यू है अल्फ़ा, यहाँ जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो अल्फ़ा के बराबर है, उस केसेस में फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा इधर की ओर, म्यू एस इंटू एन, और ये इधर की ओर फोर्स आपको लग रहा है वो क्या लग रहा है, एम जी साइन ऑफ यहाँ पे बीटा, म्यू एस इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो आपका लग रहा है, मैंने निकाला भी है, एम जी कॉस ऑफ बीटा है। तो फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ पे एफ आर की वैल्यू क्या हो गई, म्यू एस यहाँ पे एम जी कॉस ऑफ बीटा हो गया फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। और जो आपका ये है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई आपको इतना, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या आ गई, तो एम जी यहाँ से कॉस ऑफ बीटा। तो जब कॉन्टैक्ट फोर्स निकालोगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स की जब वैल्यू निकालोगे उस लिमिटिंग कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा, एफ आर पे स्क्वायर और जोड़ यहाँ पे, तो एन पे स्क्वायर, सॉरी एन पे स्क्वायर। तो एफ आर की जो वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वो क्या है, तो म्यू एस यहाँ पे एम जी कॉस ऑफ बीटा पे स्क्वायर और जोड़ यहाँ पे एम जी कॉस ऑफ बीटा पे स्क्वायर। तो ये जब आप निकालोगे तो आपको क्या आ जाएगा फाइनली, कि एम जी कॉस ऑफ बीटा बाहर और रूट अंडर वन प्लस यहाँ पे म्यू एस पे, सॉरी वन प्लस म्यू एस पे स्क्वायर। तो अब आप कह सकते हो कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स की जो वैल्यू है यहाँ से, कि जो कॉन्टैक्ट इंक्लाइन प्लेन पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा किसी ब्लॉक पे, उसकी वैल्यू क्या होगी, एम जी से बड़ी होगी और लेस देन क्या होगी, तो यहाँ पे एम जी कॉस बीटा और रूट अंडर वन प्लस यहाँ पे म्यू एस पे स्क्वायर, इसके बीच में वैरी करेगी, ठीक है। क्योंकि यही जो है सो मैक्सिमम फ्रिक्शन का कंडीशन होगा, एक कंपोनेंट जो है कॉन्टैक्ट फोर्स का, एक कंपोनेंट क्या है, एफ आर ही तो है ना, फ्रिक्शन ही तो है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कब होगा, कम से कम एक कंपोनेंट तो मैक्सिमम होने दो, तो ये रेंज में जो है सो कॉन्टैक्ट फोर्स वैरी करेगा जो है सो। तो यही था। अब चलिए छोटे छोटे सवालों को देखते हैं हम लोग। ए ब्लॉक रेस्ट ऑन ए रफ प्लेन हुज इंक्लिनेशन इज थीटा टू द हॉरिजेंटल कैन बी वेरीड। मतलब आप देखिए, ये हो गया, सपोज करिए कि आपका इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और इस इंक्लाइन प्लेन पे मान लीजिए थीटा एंगल है, और इस पे एक ब्लॉक जो है सो ऐसे रखा हुआ है। तो ब्लॉक रेस्ट ऑन ए रफ प्लेन हुज इंक्लिनेशन थीटा, ये जो इंक्लिनेशन है, इस थीटा को आप वेरी करा सकते हैं, थीटा कैन बी वेरीड। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक्स या ग्राफ्स इंडिकेट हाउ द फ्रिक्शन फोर्स एफ बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन वेरीज एज थीटा इज इंक्रीज। मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जब थीटा वेरी करेंगे तो क्या लगेगा, ड्राइविंग फोर्स पिक्चर में आएगा एम जी साइन थीटा के बराबर, ठीक है, एम जी साइन थीटा के बराबर ड्राइविंग फोर्स पिक्चर में आएगा। तो जैसे जैसे, और फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा इधर की ओर, फ्रिक्शन फोर्स एफ आर पिक्चर में आएगा, ठीक है, फोर्स तो यही नहीं लगेगा, एफ आर फ्रिक्शन फोर्स जो है सो। तो आपका क्या होगा कि जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका ड्राइविंग फोर्स बढ़ेगा, और ड्राइविंग फोर्स बढ़ेगा एम जी साइन थीटा। तो जब आपका, सपोज करिए कि जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा तो उस केसेस में फ्रिक्शन फोर्स एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, यही ना होगा, क्योंकि उस समय क्या है कि आपका जो है सो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है। तो ये कब तक होगा, जब क्या होगा कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब यहाँ से कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ आर की वैल्यू लेस देन क्या है, तो म्यू एस इंटू एन है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ये लगेगा। तो साइन थीटा के हिसाब से वेरी किया, ठीक है, तो ये जब साइन थीटा के हिसाब से वेरी किया तो साइन थीटा का वेरिएशन कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है।
उसके बाद जैसे ही आपका क्या होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को कंडीशन को जब आप क्रॉस करेंगे तो एफ आर क्या हो जाएगा आफ्टर, मतलब एफ आर ये तो हो गया ग्रेटर इक्वल टू, और वेन एफ आर क्या होगा ग्रेटर देन म्यू एस इंटू एन, ठीक है। जब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या पिक्चर में आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा, मतलब इधर की ओर जो है सो क्या लगेगा तो म्यू के इंटू एन लगेगा। और पता है आपको कि ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, जो ऊपर एन लगता है ये एन जो है सो यहाँ एम जी कॉस थीटा से, जो यहाँ वेट जो लग रहा था एम जी, इसका एक कंपोनेंट था एम जी कॉस थीटा, तो ये एम जी कॉस थीटा से बैलेंस हो जाता है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ये क्या हो जाएगा म्यू के एम जी यहाँ से क्या चीज म्यू के एम जी यहाँ से कॉस थीटा, कॉस थीटा तो बेसिकली कॉस थीटा के हिसाब से वैरी करेगा। तो कॉस थीटा का जो आप देखते हैं वेरिएशन कैसा होता है, ऐसा होता है। तो इसलिए ये जो है आपका ये कर्व बी जो है सो इसका फ्रिक्शन का वेरिएशन का जवाब होगा। स्टार्टिंग में ये सपोज करिए ये जो एंगल आया अल्फा, ये क्या है ये एंगल ऑफ रिपोज है, क्या है ये एंगल ऑफ रिपोज है। तो शुरू में क्या हुआ कि जैसे जैसे आपने इस एंगल को बढ़ाया तो क्या हुआ फ्रिक्शन फोर्स साइन थीटा के रिस्पांस में बढ़ता गया, मतलब ड्राइविंग फोर्स बढ़ता गया और ड्राइविंग फोर्स के अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट होता गया, कहाँ तक तो आपको यहाँ तक मतलब एंगल ऑफ रिपोज तक। और उसके बाद क्या हुआ तो आपका जो है सो ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आया, जो कॉस जिसका वेरिएशन का नेचर क्या है कॉस थीटा के हिसाब से वेरी करेगा, तो ये यहाँ से कॉस थीटा के हिसाब से वेरी करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो एक तो ये सवाल था, दूसरा देखिए ए ब्लॉक इज़ अबाउट टू स्लाइड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन व्हेन इट्स इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल इज थीटा, मतलब सपोज करिए कि ये है आपका इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पे क्या है एंगल थीटा है और कोई ब्लॉक है, सपोज करिए ये ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक के बारे में कह रहा है इट इज़ अबाउट टू स्लाइड डाउन द प्लेन व्हेन इट्स इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल इज थीटा, तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया अबाउट टू स्लाइड है, मतलब एंगल ऑफ रिपोज हो गया, एंगल ऑफ रिपोज हो गया। एंगल ऑफ रिपोज जो है सो केवल इस ब्लॉक और इसके नेचर पे डिपेंड करेगा जो है सो, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरा ब्लॉक डाल दे तो उसके लिए एंगल ऑफ रिपोज फिर अलग हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उनके बीच का फ्रिक्शन के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, इस चीज़ को आप समझ लें। तो ए ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन व्हेन इट्स इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। अब मान लीजिए कि इफ नाउ 5 kg वेट इज अटैच्ड टू द ब्लॉक, मतलब इसी ब्लॉक पे जो है सो मान लीजिए एम मास का ब्लॉक था पहले और आपने इस पर क्या किया तो 5 kg का जो है सो इस पर ब्लॉक डाल दिया। अब पूछ रहा है कि क्या चीज अटैच टू द ब्लॉक, तो इसे पूछ रहा है इट इज स्टिल अबाउट टू स्लाइड डाउन द प्लेन, पहला ऑप्शन दिया। अगर इस पर आपने वेट अटैच कर दिया इसके साथ तो क्या यह अब भी जो है सो अबाउट टू स्लाइड डाउन द प्लेन होगा, यानी तो इट विल नॉट स्लाइड डाउन द प्लेन अनलेस द इंक्लिनेशन इज इंक्रीज्ड, दूसरा ऑप्शन है। या तीसरा है इट विल नॉट स्लाइड डाउन द प्लेन अनलेस द इंक्लिनेशन जो है ये जो इंक्लिनेशन है जब तक आप इसको घटाओगे नहीं स्लाइडिंग टेंडेंसी नहीं आएगी, या फिर इट विल नेवर स्लाइड डाउन द प्लेन वाट एवर द इंक्लिनेशन। तो सबसे पहली बात बता देता हूँ मैं कि ये जो थीटा है एंगल ऑफ रिपोज जो है ये थीटा है, और ये जो थीटा है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, आपने देखा है कि टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या है तो म्यू एस है, मतलब जो आपका एंगल ऑफ रिपोज अगर है थीटा है तो ये टेन इनवर्स ऑफ क्या है तो म्यू एस है, इस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ म्यू एस क्या हो जाता है तो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि दोनों सरफेस के बीच के नेचर पर डिपेंड करता है। तो अब ये बताइए कि अगर मास से इंडिपेंडेंट है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, तो जब मास से इंडिपेंडेंट है तो अब मास कुछ इस पर लाद देने से इस सरफेस के बीच म्यू एस जो है तो नहीं वैरी किया, इसीलिए क्या होगा इट विल अबाउट टू स्लाइड डाउन द प्लेन, अभी भी स्लाइडिंग टेंडेंसी इसमें होगा ही अगर इफ 5 kg वेट इज अटैच्ड ऑन द ब्लॉक, फिर भी आपको स्लाइडिंग की टेंडेंसी होगी ही, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ए ब्लॉक ए इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस जस्ट बिगिन टू स्लाइड इफ द इंक्लिनेशन इज 30 degree, मतलब क्रिटिकल एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू क्या दे रखी है 30 degree है। द ब्लॉक इज रिप्लेस्ड बाई अनदर ब्लॉक बी एंड इट इज़ फाउंड दैट इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड इफ द इंक्लिनेशन इज 40 degree, तो ब्लॉक ए के लिए एंगल ऑफ रिपोज क्या है 30 degree है, और ब्लॉक जो बी है इसके लिए एंगल ऑफ रिपोज क्या है तो ये अल्फा प्राइम ये 40 degree है। इंक्लाइन प्लेन सेम है लेकिन ब्लॉक ए के साथ एंगल ऑफ रिपोज अलग है, ब्लॉक बी के साथ एंगल ऑफ रिपोज अलग है,
ठीक है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि क्या मास ऑफ ए ग्रेटर देन मास ऑफ बी है, ठीक है, कि मास की वजह से ऐसा हुआ, या मास बराबर है, या मास क्या चीज़ का कंक्लूजन, या ऑल ऑफ द थ्री क्या चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो आपका इंक्लाइन प्लेन है, जो आपका हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये बनता है अल्फ़ा, इसको आप बोलते हो एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, क्या बोलते हो, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हो। तो ये जो है सो किस पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ रिपोज, ये डिपेंड करता है जो ब्लॉक आप रखे हैं, तो इस ब्लॉक का और इस सरफेस के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ जो है अल्फ़ा जो इसकी जो वैल्यू है बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, तो म्यू एस पे। इसके केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन मान लीजिए ए के साथ है वो म्यू एस ए है, और इसके केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन सपोज करिए म्यू एस बी होगा सेम इंक्लाइन प्लेन पे, लेकिन ब्लॉक अलग अलग है, अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कॉरस्पॉन्डिंगली अलग अलग होगी। लेकिन क्या ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मास ऑफ द ब्लॉक क्या है, नहीं है। इसीलिए कोई भी कंडीशंस पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये मास से इंडिपेंडेंट होता है ये चीज़, ये डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे, इसलिए ऑल ऑफ द थ्री आर पॉसिबल होगा। यहाँ देखिए, ए मेटल ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ मेटेलिक प्लेन एंड इन सपोर्ट टू द विथ ए स्ट्रिंग एज शोन इन द डायग्राम। इफ आफ्टर द लॉन्ग टाइम ड्यू टू द कोरोजन द कॉन्टैक्ट सरफेस बिकम रफ विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस, देन द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विल बी। सबसे पहले ये बताइए, जब फ्रिक्शन नहीं था तो क्या हो रहा था, कि इसका जो वेट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था एम जी साइन थीटा, ठीक है, ये एम जी साइन थीटा टेंशन फोर्स टी के बैलेंस हो जा रहा था। अब अगर इसके बीच फ्रिक्शन एग्जिस्ट भी करने लगेगा तो पहले ही आपका ड्राइविंग फोर्स तो बैलेंस है, टी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा है, एडिशनली कोई ड्राइविंग फोर्स तो लगेगा नहीं, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन के लगने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत है जो उस ऑब्जेक्ट को उस सरफेस के रिस्पेक्ट में एक टेंडेंसी ऑफ मोशन प्रोवाइड करे। यहाँ तो धागा ने खुद ही उस ब्लॉक के टेंडेंसी ऑफ मोशन को रोक रखा है, बैलेंस कर रखा है। अब अगर सरफेस का नेचर वैरी भी कर गया तो वो फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो उसको टेंडेंसी ऑफ मोशन दे, इसीलिए जो है सो यहाँ पे आपका फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो वैसे जो है सो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव ऑन द ब्लॉक विल बी नन, क्योंकि बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो जीरो होगा। सो ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे हम लोग अभी।